नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछले न्यूज में बताया कि ईरान ने कल रात को एक मैसिव स्ट्राइक लॉन्च किया था इसराइल के खिलाफ, जिसमें तकरीबन 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए गए थे इसराइल की ओर, जिसमें से तकरीबन 95% से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स को शूट डाउन करने में इसराइल, यूएस और जॉर्डेनियन फोर्सेस कामयाब रही थी। और उसमें यह बताया जा रहा है कि अभी तक इसराइल में एक व्यक्ति की मौत हुई है और बीच में जॉर्डेनियन फोर्सेस द्वारा जो मिसाइल्स इंटरसेप्ट की गई और उसमें जो डिब्रीज गिरी जॉर्डन में, उसमें 3 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद एक जो इरानियन आर्मी के मेजर जनरल है, मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी, उनका ये स्टेटमेंट आया कि उनका ये जो ऑपरेशन था जिसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, वो कम्प्लीट हो चुका है और वो आगे कोई भी इसराइल पर अटैक करने का प्लान नहीं कर रहे। लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि अगर इसके रिस्पांस में इसराइल कोई स्ट्राइक करता है या कोई हिमाकत करता है तो उसके और भी स्ट्रांग रिस्पांस के लिए इसराइल को तैयार रहना पड़ेगा। तो इसी के चलते हम ये मान सकते हैं कि ईरान की ओर से इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को यहीं पर रोकने की बात की गई है। लेकिन जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसराइल ने कुछ समय पहले एक बात कही थी कि अगर ईरान कुछ करता है तो इसराइल उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर स्ट्राइक करेगा और उनको डिस्ट्रॉय करें। साथ ही में डेफ टॉक्स बाय आदि अचिंत के पॉडकास्ट पर गेब्रियल, जो कि इसराइल डिफेंस फोर्स में भी वर्क कर चुके हैं, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि इसराइल विल गो फॉर द हेड ऑफ द ऑक्टोपस। ये उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया है। तो इसी प्रकार के एक्शंस हो सकता है कि आने वाले समय में देखने को मिले इसराइल के साइड से। लेकिन इसके सामने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह स्टेटमेंट दिया है कि इसराइल को इस पर्टिकुलर स्ट्राइक का कोई भी प्रत्युत्तर नहीं देना है, वो उन लोगों के साथ उस केस में खड़े नहीं रहेंगे। तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या इसराइल इसको रिस्पॉन्ड करता है और क्या उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करने की बात उन्होंने कही है उसके ऊपर कायम रहता है या फिर दे विल गो फॉर द हेड ऑफ द ऑक्टोपस। साथ ही में एक सोचने वाली बात यह भी है कि यूएसए के अलावा कुछ और भी कंट्रीज हैं जो युद्ध को चालू रखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि चाइना और कतार। तो उन लोगों की तरफ से इसमें कितना इंटरफेरेंस होगा, अगर कोई बैकेंड से वो लोग सपोर्ट देते हैं या नहीं, ऐसी कोई भी बात अभी नहीं आई है। लेकिन जैसे ही हमको पता चलेगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इंडिया का जो स्टैंड है वो काफी क्लियर है। इंडिया इसराइल और ईरान दोनों के साथ ही अच्छे रिश्ते बनाकर रखता है, और खास करके जब कंट्री टू कंट्री वॉर हो कहीं पर भी पूरी दुनिया में, तो इंडिया उसमें कोई भी साइड डायरेक्टली नहीं लेता है, लेकिन वो ज्यादातर उन सिचुएशंस को डीएस्केलेट करने में अपना योगदान देता है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को भी डीएस्केलेट करने में इंडिया अपना योगदान दे, भारत अपना योगदान दे। तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।